नमस्कार दोस्तों, श्री किचन में आपका स्वागत है। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है, पहले ही बॉईल करके रख लिया है मैंने पास्ता को। पास्ता, दूध, पनीर, बटर, मैदा, आप आटे से भी बना सकते हैं, मैं मैदा का यूज़ कर रही हूँ, शिमला मिर्च, गाजर, नमक, लहसुन पेस्ट, काली मिर्च, पास्ता मसाला। तो हम कढ़ाई को गैस पर रख लेंगे। गैस ऑन कर लेंगे। पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब हम इसमें डालेंगे बटर, 2 टेबल स्पून के आसपास बटर डालेंगे। मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ, आप आटे से भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे बनाएं। इसमें आप और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न है, जो आपके बच्चों को पसंद हो, आपको पसंद हो। देखिए हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी गाजर कटी हुई, बारीक काटना है हमको गाजर को। शिमला मिर्च डालेंगे अब हम। और इसी के साथ डालेंगे हम हमारा लहसुन का पेस्ट। लहसुन से बहुत अच्छी खुशबू आती है और अच्छा ही टेस्ट आता है पास्ते का। और अब हम डालेंगे इसमें लगभग 2 टेबल स्पून मैदा। चलाते हुए हमको इसको अच्छे से भूनना है, अच्छे से गोल्डन हो जाए तब तक हम इसको भूनेंगे, चलाते हुए भूनेंगे। इसमें सब्जियां भी पक जाएंगी हमारी, इसलिए हमने इसमें पहले सब्जियां डाली हैं। आप अलग से बॉईल करके भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। चलाएंगे और हम डालेंगे इसमें दूध और अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध से ही बनाएं, पानी का यूज़ नहीं करना है हमको व्हाइट क्रीम में, व्हाइट सॉस को दूध से ही बनाएं। लीजिए हमारी कितनी प्यारी व्हाइट सॉस बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही डालेंगे हमारा मसाला। मैं मैगी मसाले का यूज़ कर रही हूँ, आप पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पास्ता, अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको। मीडियम फ्लेम पे ही करना है हमको ये सब, नहीं तो हमारा जो सॉस है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मिक्स हो गया है, अब डालेंगे हम इसमें पनीर, फ्रेश पनीर है घर पे बनाया हुआ। मिक्स करेंगे। लीजिए तैयार है हमारा पास्ता। अब इसमें डालेंगे ऑरेगानो ऊपर से। चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से डालें। हम इसमें साथ में चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं चीज़ नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारा व्हाइट सॉस विथ पनीर पास्ता। अगर पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।